Bismillahirrahmanirrahim. This is our fifth online lecture. This lecture is about rotational kinematics. The topics that we will cover in this lecture are rotational kinematics. Rotational kinematics में जो चीज हम mainly discuss करेंगे वो होगा the rigid object under constant acceleration. और उसके बाद हम calculate करेंगे angular हम relationship डिवेल्प करेंगे एंगुलर और ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज के बीच में. और जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा वो होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज द रिजिड ऑब्जेक्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. व्हेन अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इट ऑफन अंडरगोज अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. We have studied an equation that is the definition of rotational acceleration. Last lecture में हम ये discuss किया था और उसको हमने नाम दिया था equation number 5. वो equation थी हमारे पास alpha is equal to d omega over dt. इसको हमने नाम दिया था equation number 5. If we find d omega from this equation, d omega is equal to alpha dt. अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूं फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, और इनिशियल टाइम अगर हम ले लें जीरो के इक्वल और फाइनल टाइम को अगर हम ले लें टी के इक्वल. और यहां पे ये बात भी बता दूं कि इनिशियल टाइम पे जो कि हम टी आई इज इक्वल टू जीरो ले रहे थे, उस वक्त जो हमारी एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है ओमेगा आई से, और जो हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा एफ. ठीक है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को फ्रॉम टी आई इज इक्वल टू जीरो टू टाइम टी, और जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी वो इनिशियल ओमेगा आई से ओमेगा एफ में चेंज होगी, और आफ्टर इंटीग्रेशन वी विल हैव ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय टाइम. और ये हम फाइंड कर रहे हैं एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, जहां से आप फाइंड कर सकते हैं ओमेगा एफ की वैल्यू, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी. ठीक है, इस ये है रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस. अच्छा, जिस तरह की इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी जो कि लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए थी, वो क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये इक्वेशन हमने प्रूव की थी कहां पे, चैप्टर नंबर 2 में. और इसी तरह की इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये हमारे इस ऊपर वाली इक्वेशन के उसी की तरह की है, उसी के इक्विवेलेंट है. यानी यहाँ पे है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ पे हमने जो ड्राइव किया वो है ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इंटू टी. और इसके अलावा ट्रांसलेशनल मोशन में हमने कुछ और इक्वेशंस ड्राइव की थी. वो इक्वेशंस क्या थी, ये इक्वेशन नंबर 1 हम ड्राइव कर चुके, और उसके इक्विवेलेंट जो रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशन थी वो भी हमने ड्राइव कर ली. और अब हम ड्राइव करेंगे जो कि मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, ये आपके लिए असाइनमेंट होगी कि आपने ट्रांसलेशनल मोशन में ये इक्वेशंस ड्राइव की हुई हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इनको आपने रोटेशनल मोशन के लिए ड्राइव करना है. दिस इज योर असाइनमेंट एंड द सबमिशन डेट ऑफ दिस असाइनमेंट इज 24/6/2020. ठीक है, इसी नेक्स्ट वीक की 24th डेट है. अच्छा, इसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब आप चैप्टर 2 में ये इक्वेशंस ड्राइव कर रहे थे वहां पे जिस जगह पे आपने x लिखा था, x को रिप्लेस अगर आप कर देते हैं थीटा से और v को रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा से, ठीक है, और a को एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से, तो आपके पास ये रोटेशनल मोशन के लिए ये तीनों इक्वेशंस ड्राइव हो जाएंगे. ठीक है, प्लीज आपने ये जो असाइनमेंट सबमिट करनी है या आपने अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करनी है, सॉल्व करने के बाद पीडीएफ इसकी जनरेट करनी है और पीडीएफ थ्रू सीआर मुझे पहुंचा देनी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगुलर एंड ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज.
एंगुलर और ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज टॉपिक का नाम है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे एंगुलर और ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है। we shall develop relationships between the angular speed and acceleration of a rotating rigid object and the translational speed and acceleration of a point in the object. We know that every particle of the object moves in a circle whose center is on the axis of rotation. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये फिगर में भी दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो कि एक प्लेन सॉरी एक ऑब्जेक्ट है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और उसमें से हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है। हमने ये सपोज किया कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस से स्टार्ट करता है मूव करना और पॉइंट पी पे चला जाता है, और इसने जितना मूव किया उसको एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस पॉइंट पी के ऊपर अगर हम ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की बात करें तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगा, जो टेंजेंट लाइन होगी, वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के बारे में बता रही होगी, और ओरिजिन से लेके जो इस पॉइंट पी तक का डिस्टेंस होगा उसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इसने जितना फासला तय किया उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, कंसीडर अ पॉइंट पी ऑन द रिजिड ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, so is called tangential velocity. तो इस translational velocity को, क्योंकि ये circle के ऊपर tangent है, इसलिए हम इसे tangential velocity भी कहते हैं. The tangential speed is equal to ds over dt, where s is arc length, which is the distance traveled by the point P, or this will be equal to r multiplied by theta. और ये बात है कि ये बात हम कर रहे हैं कि v is equal to ds over dt, और इसको हम लिख सकते हैं r d theta over dt, और d theta over dt ये angular motion में हम इसे omega से represent करते हैं, तो v जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा r into omega. The tangential speed is the product of distance of the point from axis of rotation and angular speed. Angular speed increases as one moves outwards of the circle. ठीक है? Now the translational acceleration, the tangential acceleration at of the point P is at is equal to dv over dt, which can be written as r into d omega over dt. d omega over dt जो था इसे r alpha लिखा जा सकता है, तो इस तरह ये हमारे पास equation number 2 आ जाएगी, at is equal to r into alpha. This is the relation between tangential and angular acceleration. The tangential component of the translational acceleration of a point on a rotating rigid object equals perpendicular distance from the axis of rotation multiplied by the angular arc. Now, a point moving in a circle also undergoes a radial acceleration. Tangential component acceleration का हमने find कर लिया, अब हम इसका रेडियल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। जो रेडियल कंपोनेंट है AR of रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय AR इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मोशन, सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम कैसे लिखते हैं, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r. इस तरह जो मैग्नीट्यूड होगी रेडियल एक्सेलरेशन की, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r व्हिच इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये क्यों ऐसे हमने लिखा, क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर है, ठीक है। और a जो है जो टोटल एक्सेलरेशन है, ये इक्वल हमारे पास आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन,
एंड मैग्नीट्यूड, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें कि वो किसके बराबर आ जाएगा, आप इसका स्केयर ले लें और इसका अंडर रूट ले लें, ए टी स्केयर प्लस ए आर का स्केयर इसका होल का अंडर रूट, ठीक है। और इस क्योंकि ए टी की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं आर स्केयर अल्फा स्केयर प्लस आर स्केयर ओमेगा फोर विच इज इक्वल टू आर स्केयर, तो इस टर्म में कॉमन ले लें और कॉमन जब लेके इसको अंडर रूट के ये बाहर आ जाएगी, ये इक्वल आ जाएगा आर इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्केयर प्लस ओमेगा फोर। इस तरह हमने ये जो एंगुलर और ट्रांसलेशनल क्वांटिटीज के बीच में हमने रिलेशनशिप डिवेलप कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, क्या करेंगे, चले पहले ये फिगर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस फिगर में ये बच्चे ये देखें कि एक रिजिड ऑब्जेक्ट हमने लिया हुआ है, एक रिजिड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जो के जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड है, जेड एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने आइथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया और उसमें मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक पार्टिकल को हमने कंसीडर किया जो कि जिसका मास एम आई है, जो एक पार्टिकल है वो आइथ पार्टिकल, वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, हमने जो कंसीडर किया उसका आइथ पार्टिकल, उसका मास एम आई है और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज दैट इज आर आई, और ये पार्टिकल कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी यानी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी वो वी, उसको वी आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बच्चे ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आर आई एम आई वी आई इज नॉट द इनिशियल मास रेडियस या वेलोसिटी, बल्कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइथ पार्टिकल का मास, आइथ पार्टिकल का रेडियस और आइथ पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। ये बातें मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस हैज नो मोशन इन स्पेस, सो देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशनल मोशन, हाउएवर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर मूविंग थ्रू स्पेस इन सर्कुलर पाथ, हेंस देयर इज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एसोसिएटेड विद द रोटेशनल मोशन। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट एज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स and it rotates about a fixed z-axis with an angular speed omega. Now, consider one particle of on the rotating object located at a distance ri from the axis of rotation. If mass of ith particle is mi and its tangential speed is vi, then kinetic energy of ith particle is equal to half mi vi ka square. This is our equation number. Now, as every particle in the rigid object has the same angular velocity, whereas the individual tangential speed depend on ri from the axis of rotation. The total kinetic energy of the object is the sum of the kinetic energies of all the particles in the object. That is kr. Is equal to kr stands for rotational kinetic energy. Kr is equal to summation I over this summation is over ki, which is equal to summation I half mi vi ka square. Kyunki 1/2 ko hum summation se bahar likh sakte hain aur v jo hai ye equal hai r omega ke is vi square ki jagah pe iski value put karenge hamare paas aa jayega ri square omega square. ठीक है, और ये के आर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ये ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को लिखा है, इसके रीजन मैं बताता हूं अभी आपको, समीशन ओवर आई एम आई आर आई का स्केयर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्केयर। नाउ ये जो टर्म है जो जिसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इस टर्म को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज समीशन आई एम आई आर आई का स्केयर। और तो फिर हमारी जो इक्वेशन टू थी, इक्वेशन टू को हम ऐसे लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी यूनिट के किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर है और इसकी जो डायमेंशन है वो एम एल स्क्वायर है। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ये मैंने इस स्लाइड के ऊपर लिखी हुई है,
the measure of the resistance of an object to change in its rotational motion. I is the rotational motion. I in rotational motion is similar to mass in the translational motion. तो इनमें क्या एनालॉजी है, क्या किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है ये जो आपने क्वांटिटीज फाइंड की हैं। जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ये रिलेटेड है। कैसे रिलेट हम इसको कर सकते हैं रोटेशनल मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन फाइंड किया है वो है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे बच्चे ये देखें कि जो ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल प्ले कर रही है वेलोसिटी वी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वही रोल एंगुलर मोशन में ओमेगा प्ले कर रहा है। जिस जो रोल प्ले कर रहा है मास इन ट्रांसलेशनल मोशन, वही रोल प्ले कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन। ये जो हमने यही था हमारा लेक्चर बच्चे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेमेटिक्स ऑफ द रोटेशनल मोशन। थैंक यू वेरी मच। अब बच्चे अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का तो वो प्लीज मुझे मैसेज कर दें या अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते।